रामनवमी के देखते हैं, रामनवमी में आपका कम से कम कचहरी से लेकर के आपका तपन मंदिर तक पूरा चकाचौंध रहता है। तो इसीलिए हम लोग भी विचार रखे हुए हैं कि खासकर हमारा जो समाज का लोग निकलेंगे आपका शोभा यात्रा में, क्योंकि हम लोग का जो जुलूस निकलता है उसमें छोटा छोटा बच्चा बच्चियाँ सभी लोग निकलता है, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि कम से कम रोड पर लाइट होना चाहिए। लोग अभी हम लोग उधर से हिदायत दिया गया है कि आप कम से कम बैनर पोस्टर यदि लगाते हैं तो आप केवल अपना समाज के हित में लगाइए, आप अपना टोला मोहल्ला का जैसे आपका समाज सेवी जैसे हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल आपका जैसे बैनर पोस्टर में सिंबल नहीं लगाना है। अगर आप कहीं राजनीतिक दल से हैं तो आप राजनीतिक दल अपना साइड कीजिए, लेकिन आप अगर बैनर पोस्टर लगाते हैं तो कम से कम अपना समाज का बैनर पोस्टर लगाएं और नीचे आप लिखिए भाई समाज सेवी, वहाँ पर पार्टी सिंबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर केस फुदारी होने का डर है। झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश है और यहाँ के आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और ये जंगल, झाड़, नदी, तालाब इन सबों की पूजा करते हैं और सरहुल एक ऐसा ही सबसे बड़ा आदिवासियों का त्यौहार माना जाता है और कुछ ही दिन बाद 11 तारीख को झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाएगा। लेकिन संजोग की बात इस बार ऐसा है कि उसी दिन ईद भी है और आने वाले दिनों में रामनवमी भी मनाया जाएगा। ऐसे में कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरहुल की तैयारी की जा रही है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी, लोकल खबरें में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोहार रहेगा। बताएंगे कि इस बार ईद भी है, सरहुल भी है, रामनवमी भी है, तो बहुत ही संयोग अच्छा है, तो किस तरह से सरहुल पर्व मनाने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके लोकल खबर के माध्यम से हमारे अखाड़ा माए इसके लिए जोहार। जैसे कि इस बार हम लोग सरहुल को लेकर के काफ़ी तैयारी किए हुए हैं कि इस बार सरहुल और ईद साथ में हो रहा है, जिसके कारण से हम लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचना पड़ रहा है कि सरहुल और ईद किस तरह से हम लोग मनाएं। अभी क्या है कि हम लोग का कल परसों शांति समिति के लिए हम लोग बुलाया गया था, उस शांति समिति के बैठक में जिला प्रशासन से हम लोगों ने मिलकर कई तरह की तैयारी किए हैं, जिसमें आपका रामनवमी पर्व को लेकर, चैती दुर्गा को लेकर और आपका ईद को लेकर, सरहुल को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार हम सबों को सारे समुदाय के लोग एक साथ भाईचारगी से पर्व मनाने का विचार किए हैं और हमारा सरहुल पर्व जो है आपको 11 तारीख को आपका केंद्रीय धूमकुड़ी केंद्रीय पूजा स्थल और सिरोम टोली में जो है वहाँ पर हम लोग सारे टोला मोहल्ला से जो जुलूस के माध्यम से जाते हैं सब एक लोग वहाँ जुटेंगे और इस पर्व को मिलजुल कर धूमधाम से मनाएंगे। तो हर बार आप लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, झांके भी निकालते हैं, तो इस बार आपके अखाड़ा से क्या कुछ तैयारी है, कैसे निकालेंगे? तैयारी तो जैसे हमेशा की तरह इस बार भी इसी तरह से तैयारी है। जैसे हम लोग अपना खोड़ा से निकलते हैं तो कम से कम कुछ नहीं, अपना समाज का जो परिधान है, वेशभूषा है, अपना जो कल्चर है उसको नज़र में रखते हुए हम लोग तैयारी करते हैं। और हम लोग का जो सरहुल पर्व का जो तैयारी है, आपको 10 तारीख को हम लोग उपवास करेंगे और साथ साथ उस दिन हम लोग का खखड़ा मछली जो हम लोग परंपरा शुरू से चलता आया हुआ है कि हम लोग जा कर के खेत में जा कर के खखड़ा और मछली पकड़ने का काम करते हैं और उसका दूसरा दिन हम लोग पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आपका 11 तारीख को हम लोग शोभा यात्रा के लिए निकलेंगे सिरोम टोली के लिए और उसके दूसरा दिन 12 तारीख को हम लोग अपने टोला मोहल्ला में घर घर जा कर के फूल खोसी का पान के माध्यम से करते हैं। इस बार जो है रांची में बहुत सारा विकास का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, तो ये सबको देखते हुए क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं? झंडा कितना बड़ा होगा, झांकी किस तरह का होगा, कुछ एहतियात बरत रहे हैं आप लोग? वो तो खैर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका देखिए झारखंड में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जगह जगह में आपका फ्लाईओवर बन रहा है, तो फ्लाईओवर काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज के हित में ही हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग समिति के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे झंडा हम लोग लेके जाते हैं तो हम लोग ऐसे भी सना झंडा ज़्यादा बड़ा रहता नहीं है, हम लोग का हाइट कम रहता है, 15 से आपका 20 फीट का रहता है, तो हम लोग उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही अगर रामनवमी का झंडा अगर लेके जाते हैं तो रामनवमी का काफ़ी बड़ा बड़ा झंडा रहता है,
उसको लेकर के जिला प्रशासन तरफ से हम लोग को खासकर निर्देश दिया गया है कि कम से कम झंडा को हाइट कम करें और जिला प्रशासन के साथ मिलकर चले। अभी जिला प्रशासन के साथ शांति समिति की बैठक भी हुई थी, तो इस बैठक में आप लोग क्या कुछ सहयोग की उम्मीद किए थे और क्या कुछ चाहते हैं जिला प्रशासन से? देखिए, जिला प्रशासन तो हमेशा तत्पर रहती है, मदद करती ही है, लेकिन इस बार हम लोग खासकर हम लोग कहे हैं क्योंकि रामनवमी के देखते हैं, रामनवमी में आपका कम से कम कचहरी से लेकर के आपका तपन मंदिर तक पूरा चकाचौंध रहता है, तो इसीलिए हम लोग भी विचार रखे हुए हैं कि खासकर हमारा जो समाज के लोग निकलेंगे आपका शोभा यात्रा में, क्योंकि हम लोग का जो जुलूस निकलता है उसमें छोटा छोटा बच्चा बच्चियाँ सभी लोग निकलता है, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि कम से कम रोड पर लाइट होना चाहिए। और साथ साथ ये भी हम लोग को जिला प्रशासन तरफ से कहा गया है कि कम से कम अगर आप जुलूस में आप अपने परिवार के छोटे बच्चे को ले जाते हैं, तो हम लोग अपना समिति की तरफ से ये दिमाग में रखे हैं कि कम से कम छोटा बच्चा का पॉकेट में जिस टोला से निकलते हैं वहाँ का नाम पता एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर डालेंगे हम, क्योंकि बच्चा लोग गुम हो जाने के बाद दिक्कत होता है। त्यौहार का महीना है और ऐसे में चुनाव भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हर बार सरहुल के समय में पॉलिटिकल इवेंट होता है और इस बार आचार संहिता भी है, तो क्या कुछ आप लोग उसके लिए तैयारी किए हुए हैं कि आचार संहिता का कोई नियम कानून न हो, किसी कोई परेशानी नहीं हो? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, जिला प्रशासन का काम तो है ये है, अब जैसे कि आपका आचार संहिता लगा हुआ है, तो अभी जो पॉलिटिशियन जो लोग हैं वो लोग अभी हम लोग उधर से हिदायत दिया गया है कि आप कम से कम बैनर पोस्टर यदि लगाते हैं तो आप केवल अपना समाज के हित में लगाइए, आप अपना टोला मोहल्ला का जैसे आपका समाज सेवी जैसे हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल आपका जैसे बैनर पोस्टर में सिंबल नहीं लगाना है। अगर आप कहीं राजनीतिक दल से हैं तो आप राजनीतिक दल अपना साइड कीजिए, लेकिन आप अगर बैनर पोस्टर लगाते हैं तो कम से कम अपना समाज का बैनर पोस्टर लगाएं और नीचे आप लिखिए भाई समाज सेवी, वहाँ पर पार्टी सिंबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर केस फुदारी होने का डर है। तो जो पूरे झारखंड के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? त्योहारों का ये मौसम है, रामनवमी भी है, ईद भी है और आपका सरहुल भी है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो खासकर अपना टोला मोहल्ला हमारा जो समाज है जागृति स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा हम सभी को जोहार करेंगे, वेलकम अभिनंदन करेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि कम से कम जो पर्व मन रहा है पर्व को साथ मिलकर भाईचारगी से मनाएं, किसी प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन के साथ ताल से ताल मिलाकर चले। और जनता के बीच में हम यही कहेंगे कि कम से कम मेरा जो समाज में जो पहनावा है, खासकर आदिवासी समाज जो पहनता है अपना पहनावा है परिधान, कम से कम खासकर सरहुल पर्व में अपना एक तो दिखना चाहिए झलक, आदिवासियत का एक झलक दिखना चाहिए। हम यही जनता के बीच हम अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग कम से कम सरहुल पर्व में अपना घर के जो भी बच्चे बच्चियाँ हैं सभी को अपना सरना जो परिधान है उसको पहना कर सरहुल यात्रा जुलूस में निकले। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे अर्जुन मुंडा जी से जो आदिवासी समुदाय से आते हैं और एक सामाजिक नेता भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम अभी हैं धरती आबा बिरसा मुंडा और शक्ति स्तंभ है और सरना जतरा टाण मोराबादी मौजा का खजुरिया टवली सरहुल नगर है और यहीं से इस अखड़ा की शोभा यात्रा निकलेगी, झांकी निकलेगी जो केंद्रीय सरना समिति सिरोमटोली तक जाएगी। हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।